मेरे भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। राम राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो मजा में छो भाई। मैं आज दिखाने जा रहा हूँ आपको हमारा स्टोर रूम, और साथ ही में हम बताएंगे कि आपको देसी चारा मतलब देसी फीड, देसी फर्नीचर कैसे बनाया जाता है, वो भी गेहूँ से। ठीक है ना भाई, वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो भाई अपने किसान भाई को ढेर सारा प्यार करना, बहुत बहुत सपोर्ट करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। आभारी रहूँगा मैं आपका मेरे भाइयों। और इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे भाई। बस प्यार और सपोर्ट चाहिए आपका भाई। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारी बोरियाँ रखा हुआ है। ये बोरिया कोई आटे वटे का बोरिया नहीं है, मैदे का बोरिया नहीं है भाई। ये बोरिया है आपका चावल, मक्का, रो गेहूँ और इसमें पिसा हुआ गेहूँ। ठीक है ना। और ये है बर्तन हमारा जो कि नापने के लिए रखा गया है। इसी से हम नाप के डालते हैं भाई, जब भी चावल पकाना हो और जब भी गेहूँ निकालना हो, चावल निकालना हो, तो इसे हम इसी से नाप के डालते हैं। एक बर्तन मतलब एक किलो गेहूँ, और अगर चावल हो तो फिर 1.5 किलो। और ये देखिए, ये है रो गेहूँ। हम लोग कलेक्ट करते हैं भाई गेहूँ में घर घर जाके ना, जब राशन वसन होता है तो हम कलेक्ट करते हैं और गेहूँ इकट्ठे करके रखते हैं। ये है रो गेहूँ। ये देखिए फूल भी नहीं रहा भाई, बहुत दिक्कत होते है वीडियो बनाने में अकेले। आप लोगों के लिए देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम। ये देखिए ये रो गेहूँ, ये इसको पिसा हुआ नहीं है भाई, जैसे कि देख सकते हैं आप। हम लेके जाएंगे इसको पीसने के लिए, आज नहीं तो कल। और अभी हम आपको देसी फर्नीचर भी दिखाएंगे भाई। देखिए किस तरीके से हमने अपना स्टोर बनाया है। इधर आपको हम देसी फर्नीचर भी दिखाएंगे। वो जो सील्ड बोरी है, जो बंधा हुआ बोरी, उसी में है देसी फर्नीचर, मतलब कटा हुआ पिसा हुआ गेहूँ। एक भाई ने हमारा एक सवाल पूछा था कि भाई गेहूँ कैसे दिया जाता है, गेहूँ को आप रो देते हो या पिसा हुआ देते हो, कितने टुकड़े में पिसा हुआ देते हो। तो हम आप आज को दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा, दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। ये देखिए हमने किस तरीके से अपना मेडिसिन वगैरह भी रखा हुआ है भाई। भाई आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें से हम मेजरमेंट भी करते हैं, और मेडिसिन के रिगार्डिंग, और आपका चूजे के रिगार्डिंग, किस किस तरीके का आपको मेडिकेशन चलाना चाहिए, और कितने दिनों के बाद 7, 14, 21 दिन के बाद वैक्सीन देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या क्या देना चाहिए, चूजे में मोर्टालिटी कैसे आते हैं। ठीक है। और साथ ही में आपका उसके बाद क्या देना चाहिए, चूजे एक दूसरे को क्यों काटते हैं, ये सब दिखाएंगे भाई। और आज का वीडियो है ये गेहूं के ऊपर, गेहूं किस तरीके से पीसा जाता है और कितने टुकड़ों में पीसने से अच्छा होता है और देखने में कैसा लगता है, वही दिखाने जा रहा हूं भाई मैं आपको। स्टोर रूम तो हमने दिखाई दिया आपको। ये देखिए काटने में भी कितना दिक्कत होता है भाई, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है ये वीडियो बनाने में ना आप लोगों के लिए। ये देखिए भाई से लेकर तो अपने किसान भाई को, दूसरों को तो बहुत लाइक सपोर्ट करता है, अपने किसान भाई को ज़रूर सपोर्ट करिएगा और लव दीजिएगा ढेर सारा प्यार। लव 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 मिस्टर लव लव, लव का जादू बहुत तगड़ा होता है भाई। ये देखिए किस तरीके से खोल रहा है, एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए, एक हाथ से बोरिया खोल रहा है। दिक्कत बहुत है भाई, दिखाएंगे दिखाएंगे आपको दिखाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस भाई पेशेंस। देखिए खुल रहा है भाई एक हाथ से भाई। इसमें हमारा पिसा हुआ गेहूँ, और कितने टुकड़ों में पिसा हुआ गेहूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने फर्नीचर तो देखा ही होगा, अगर आप इस बिजनेस लाइन में हो, इस लाइन में हो तो आपने फर्नीचर तो देखा ही होगा, तो बिल्कुल फर्नीचर ही लगता है भाई। ये देखिए ये हमारा पिसा हुआ गेहूँ, पता नहीं आपके स्टेट में आपके जगह में कितने करके पिसता है, कैसे पिसता है। थोड़ा सा मिल वालों को ना आपको जाके सेटिंग करना होता है भाई। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल फर्नीचर, लग रहा है कि नहीं भाई बताओ।
बिल्कुल फिनिचर ही लग रहा है। इसको आपको मिल वाले के साथ थोड़ा सेटिंग करना होता है भाई, भाई जाके बोलना है कि भाई मैं आपको हमेशा बिजनेस दूंगा, हफ्ते में एकदम कम से कम भी 3 क्विंटल तक हम गेहूँ पिसवाऊँगा और हमें कम से कम रेट में चाहिए। अगर वो दूसरों को 3 रुपये करके पिसा रहा है ना भाई, तो आपको कम से कम 2 रुपये में 1.5 रुपये में पिसवा देंगे आपके गेहूँ। देखिए किस तरीके से बढ़िया लग रहा है, मतलब बिल्कुल फिनिचर की तरह लग रहा है। अगर आपने फिनिचर के साथ अगर इसको मिला के भी दिया, या फिर ऐसे ही आटा के साथ मूझ के, या फिर ऐसे ही आप अपने क्या बोलते हैं फीडर में डाल के भी दिया ना, तब भी आराम से खाएगा वो, तब भी आराम से खाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ही देना है आपको चारा दोस्तों। हमारे भाई का सवाल था कि कितने टुकड़ों में पीसना चाहिए गेहूं को, तो मैं तो यही कहता हूं कि 3 टुकड़ों में आप गेहूं को पीसिए, फिर उसके बाद दीजिए अपने मुर्गियों को भाई, आराम से खाएगा, कोई फेंकेगा भी नहीं, ठीक है। आपका कॉस्टिंग भी सेफ हो जाएगा, बस टुकड़ों में करके देना होता है भाई आपको। बस भाई आज के लिए इतना ही मेरे भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार करिएगा, सपोर्ट करिएगा। अंत में जय किसान, जय भारत।